और अब इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा यहाँ उपस्थित सम्माननीय अतिथियों को संबोधित करेंगी। माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यसभा में पधारे सभी प्रतिपक्ष के नेता, सभी माननीय मंत्रीगण और उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार पाने वाले हमारे गणमान्य सदस्य, उपस्थित सभी सांसद और सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरे लिए वास्तव में ये सौभाग्य की बात है कि ये उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने के लिए और इस समारोह के स्वागत के लिए मैं खड़ी हूँ। 3 साल का ये पुरस्कार, 3 साल से लगातार आज मेरे लिए यह सौभाग्य है कि तीनों को एक साथ हम दे रहे हैं। और माननीय राष्ट्रपति जी की विशिष्ट उपस्थिति, इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को देने के लिए उन्होंने जो सहमति प्रदान की, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। उसी प्रकार आभारी हूँ हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने भी तुरंत आज के तारीख में यहाँ आने के लिए हाँ भर दी। सभी माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्रीगण, मैं सभी के आभारी हूँ। भारतीय संसदीय ग्रुप द्वारा स्थापित यह उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार आप सभी को मालूम है, ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन बहुमूल्य योगदान देते हुए निभाया है और कई अनुकरणीय दृष्टांत उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, कई मानक स्थापित किए हैं और इतिहास हमेशा साक्षी रहा है। आज भी हम कई सांसदों को याद करते हैं उनकी कर्मठता के लिए, उनकी प्रखर भाषा के लिए और जिस तरीके से उन्होंने अपना काम संसद में किया है और इस पवित्र संस्था पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, ऐसे कई सांसदों को आज भी हम याद करते हैं। आज सम्मानित होने वाली सूची में और ये नाम तीनों लिखे जा रहे हैं जिनको आगे भी याद रखा जाएगा कि ये लोग भी उसी श्रेणी में एक उत्कृष्ट सांसद थे। वर्ष 2010 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, जो हमारे अनुभवी सांसद हैं, नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता के पुरजोर समर्थक है, एक केवल सम्मानित नहीं आग्रहपूर्वक या अत्यंत प्रभावी रीति से जो कोर्ट में भी अपनी बात रखने में सफल रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में बहुत ही कम उम्र में, मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद से भी लेकर के जो आपने काम किया है, बहुत कम उम्र में इन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, ऐसे माननीय जेटली जी को आज हम 2010 का पुरस्कार दे रहे हैं। कई वर्षों से संसद में तो हम सभी सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं और आज भी जिस तरीके से एक प्रभावी वक्तृत्व उनका हम देखते हैं और केवल वक्तृत्व नहीं, जो भी वो बोलते हैं, एक जिसको हम कहते हैं मुद्दों को ले करके एक अपनी अलग छाप वो छोड़ते हैं। और इसलिए कई बार मन में ये बात आती है, जैसा हम कहते हैं कि शतेषु जायते शूरा, सहस्रेषु च पंडिता, 100 में से एक बहुत शूरवीर पैदा होता है या सहस्रों में से एक बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन वक्ता दश सहस्रेषु, 10,000 में से एकाध कोई वक्ता होता है ऐसा कहा जाता है। आगे तो है दाता भवति वानवा, मगर ऐसे 10,000 में से एक जिनका हम कह सकते हैं उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, ऐसे माननीय जेटली जी को आज सम्मानित करते हुए हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। 2011 का उत्कृष्ट पुरस्कार,
डॉक्टर कर्ण सिंह जी को प्रदान किया जा रहा है। अनुभवी सांसद तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक दार्शनिक, एक विचारक है, शिक्षाविद है और देश के सांस्कृतिक राजदूत भी आप माने जाते हैं एक प्रकार से, उनका जो अभ्यास है। 8 बार संसद के लिए निर्वाचित हुए, इसमें दोनों सदनों के लिए मेरे ख्याल से चार बार राज्यसभा, 4 बार लोकसभा, और मंत्री के रूप में भी अत्यंत कुशलता से उन्होंने काम किया है। इनका चिंतन, और वो श्रेष्ठ चिंतन ही मनुष्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाता है, ऐसे ये चिंतक है। उनके लिए मैं कहूंगी कि जो बोलते हैं, वदनम प्रसाद सदनम सदस्यम सुदाम उच्चो वाचा, एक प्रसन्न वदन रहते हुए हमेशा मुख से मधुर वाणी ही जिनके निकलती रहती है, ऐसे हमारे डॉक्टर करण सिंह जी है। इसी प्रकार 2012 का जो पुरस्कार, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, माननीय शरद यादव जी को दिया जा रहा है। हम जानते हैं शरद यादव जी बहुमुखी प्रतिभा वाले राजनीतिज्ञ है तो हमारे मध्य प्रदेश से, लेकिन पूरे देश की राजनीति में छाए हुए हैं। वैसे उनका व्यक्तित्व सादा है, जनप्रिय है, सर्वप्रिय है, गरीब शोषित पीड़ित के लिए काम करते रहते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जेपी आंदोलन से उनके जो भाषणों के कटाक्ष है, कई बार मुखरता से बेबाक तरीके से जो अपनी बात रखते हैं, परवाह नहीं करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है तो लगता है, मुझे बोलना है, इस तरीके से इनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, 7 बार ये भी लोकसभा के और 3 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। ये मैं नए सदस्यों के लिए बोल रही हूँ कि कितने तीनों इस प्रकार के, ये जो तीनों सांसद जो है जिनको आज हम यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं, और वर्तमान लोकसभा के जो पहली बार चुने हुए सांसद हैं, तो इनके तरफ देख के, और पहले से भी जिन लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किए ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हैं, इन सभी के कहीं ना कहीं भाषण अगर आप पढ़ेंगे लोकसभा की लाइब्रेरी से, देखेंगे सुनेंगे, तो ज़रूर संसदीय परंपराओं की भी जानकारी हमें मिलती है और हर दृष्टि से अच्छे सजग सांसद कैसे बनना ये भी एक मालूम होता है। और शायद इसीलिए ये इस प्रकार का पुरस्कार देने की जो पद्धति है शुरू की है वो भी इसी कारण से है। मैं आज सम्मानित होने वाले तीनों सांसदों को तो बधाई देती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ, और मंच पर विराजमान तीनों व्यक्तित्वों का मैं आदर से स्वागत करती हूँ और आभार भी करती हूँ। धन्यवाद। महासचिव लो